बच्चों के प्रोडक्ट्स हमने बेबी प्रोडक्ट्स खरीदने हैं उसमें कितनी चीज़ों को हमने मद्देनजर रखना है, कितना कॉन्शियस होना ज़रूरी है, या फिर अगर किसी की प्रेगनेंस अच्छी लग रही है इसी को अडॉप्ट करना है जो सदियों से चलती हुई आ रही है चीज़, उसका ही हमने भी जो है वो ख्याल रखना है और बस हमारे घर में भी वो होना चाहिए, बच्चा उससे क्या रिएक्ट करे, बच्चे की स्किन क्या रिएक्ट कर रही है, हम इसको कंसिडर नहीं करते। बस बच्चे जो है ना उसमें एक चीज़ आती है एटोपिक डर्मेटाइटिस, ठीक है, जिसमें बच्चे के अंदर एक टेंडेंसी होती है रिएक्ट करने की टूवर्ड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड उनकी फ्रेग्रेंस। तो उसमें ऐसे बच्चों में हमें अपने सिंप्लीफाई करने पड़ते हैं प्रोडक्ट्स, फिर हमें फ्रेग्रेंस फ्री लेने पड़ेंगे, पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, बच्चे की स्किन को हाइड्रेट करना पड़ेगा, उसकी इरिटेट करने को कम करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक बच्चा अगर रिएक्ट नहीं कर रहा और आप एक अच्छे स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आपने ये देखना है कि इफ़ द चाइल्ड इज़ एलर्जिक, जो एक चीज़ हम देखते हैं ना प्रैक्टिस में, वो पेरेंट्स को हम बड़ा टाइम लगा के समझाते हैं कि इट इज़ समथिंग कि बच्चे की स्किन रिएक्ट की है, आपने इस तरह से उसको मैनेज करना है। बट दे कम बैक टू अस कि जी जब चीज़ें छोड़ी थी तो वो वैसी ही हो गई। द चाइल्ड इज बॉर्न विद दैट स्किन, यू कैन नॉट चेंज द स्किन, दिस इज जेनेटिक। लेकिन आपको उसको मैनेज करना है ताकि बच्चा बार बार तकलीफ में ना जाए, वो बेजुबान है, वो नहीं आपको बता सकता। बिल्कुल ऐसे, लेकिन उसको प्रॉब्लम तो होगी और वो प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, उसकी वर्स्ट कंडीशन भी आ सकती है।